लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आओ हनुमान, किष्किंधा महल चलते हैं। वहां सब लोग तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ। लक्ष्मण, भरत, हम महर्षि अगस्त के आश्रम में गए थे। वहां उन्होंने बताया कि प्रजा की सुरक्षा और कल्याण के लिए हमें एक यज्ञ करना होगा। यज्ञ? ये तो बहुत शुभ विचार है भैया। ये विचार मेरे मन में बहुत दिनों से उठ रहा था। बैठो लक्ष्मण। अयोध्या की सत्ता आर्यवत में सुनिश्चित करने के लिए क्यों ना राजसूय यज्ञ किया जाए? राजसूय यज्ञ? ये तो बहुत ही सुंदर विचार है भैया। नहीं भैया, आपके लिए राजसूय यज्ञ करना उचित नहीं होगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भरत? राजसूय यज्ञ से तुम्हें क्या आपत्ति है भरत? राजसूय यज्ञ का अर्थ होता है राजाओं को बलपूर्वक अपने अधीन करना, और जो राजा आपकी सत्ता स्वीकार नहीं करेगा उससे युद्ध करना अनिवार्य होगा। और युद्ध में कितने निर्दोष प्राणियों की हानि होती है ये तो आप स्वयं जानते हैं। भरत की बात उचित है लक्ष्मण। जब हम न्याय शासन और धर्म शासन की बातें करते हैं तो किसी भी राजा को बलपूर्वक अपने वश में करना उचित नहीं है। हम राजसूय यज्ञ नहीं करेंगे। भैया, यदि आपने यज्ञ करने का निश्चय कर ही लिया तो आपको यज्ञ करना ही चाहिए। मेरे विचार से अश्वमेध यज्ञ आपके लिए सर्वथा उपयुक्त रहेगा। हमारे पूर्वज सूर्यवंशी नरेश सदा अश्वमेध यज्ञ करते हैं। हम तुम्हारे विचार से सहमत हैं महाराज। हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ का अश्व सारे आर्यवत में भ्रमण करेगा और जो भी राजा उसे अधीन करना चाहेगा हम उसे विनयपूर्वक समझाएंगे कि हमारे शासन में सहयोग दे। और यदि किसी राजा ने हमारी विनती स्वीकार नहीं की तब क्या होगा भैया? ये तो वही राजसूय यज्ञ वाली स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और फिर हमें युद्ध करना ही पड़ेगा। यदि अश्वमेध यज्ञ में बाधा आई तो हम युद्ध के लिए प्रस्तुत रहेंगे। प्रणाम श्री राम। प्रभु, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। मां मंत्री सुमन, हमने निश्चय किया है कि राज्य की सुरक्षा तथा कल्याण के लिए हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे। ये शुभ समाचार सुनकर मन प्रसन्न हुआ प्रभु। मैं इसी समय गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनसे यज्ञ के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करूंगा। भैया, अश्वमेध यज्ञ से पूर्व आपको एक और आवश्यक कार्य पूर्ण करना होगा। वो क्या? यह यज्ञ आपको सपत्नीक करना होगा और इसके लिए देवी सीता की उपस्थिति आवश्यक होगी। हाँ प्रभु, इस यज्ञ के लिए धर्मपत्नी का सहयोग आवश्यक है। मंत्री सुमन, देवी सीता की एक स्वर्ण मूर्ति का निर्माण किया जाए जो यज्ञ के समय हमारे साथ उपस्थित रहेगी। जो आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण, जय शिव शंकर। हाँ? हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। परमपिता ब्रह्मा सृष्टि रचना में लीन है, पालनहार विष्णु मर्यादा पुरुषोत्तम बनने में लीन है, और मेरे प्रभु, मेरे महेश्वर, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव शंकर,
जो मेरी बातें सुनते थे आज वो भी ध्यान में लीन है। अब मैं किसके पास जाऊं, किसे सुनाऊं? मेरे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं कि इन्हें तो कुछ भी पता नहीं है। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि राक्षसों का बीज फिर से उत्पन्न होने लगा है। राम भक्त विभीषण लंकेश्वर तो बन गए, परंतु वहाँ सह्याद्री के पर्वतों में रहने वाला कुंभकर्ण का अज्ञात पुत्र भीमासुर अब युवा हो चुका है। ये भी मैं किसे बताऊं? और ये भी मैं किसे बताऊं कि भीमासुर की माता करकटी अपने पुत्र भीमासुर को अपने पिता कुंभकर्ण के संहारक श्री राम और वानरों से बदला लेने के लिए उकसा रही है। ये भी मैं किसे नहीं बता सकता? नारायण नारायण। हमसे कुछ भी छुपा नहीं है देवर्षि। महादेव आप मेरी बातें सुन रहे थे? देवर्षि, भीमासुर की माता करकटी को कुंभकर्ण की मृत्यु का गहरा आघात लगा है, और फिर है तो वो राक्षसी अपने पुत्र भीमासुर को प्रतिशोध की भाषा सिखाना उसके लिए स्वाभाविक है। परंतु प्रभु, उसकी ये सीख उसे और भी भयानक बना सकती है। रावण और राक्षसों की जिस शक्ति को श्री राम ने समाप्त कर दिया था, वो शक्ति फिर से जाग उठेगी। अब तो श्री राम और लक्ष्मण को ही भीमासुर से निपटना होगा। ऐसा नहीं होगा देवर्षि, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे? अर्थात भीमासुर श्री राम से प्रतिशोध का विचार त्याग देगा? हाँ, यदि आप हमारी सहायता करें तो। मैं? हाँ। परंतु प्रभु, आप तो स्वयं सर्वशक्ति संपन्न हैं, भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? देवर्षि, आप रुद्रावतार हनुमान तक हमारा ये संदेश पहुँचा दें कि वो भीमासुर और करकटी से मिलकर उनके मन से श्री राम के प्रति प्रतिशोध लेने की भावना को निकाल दें। धन्य हो प्रभु। क्या हनुमान के कहने मात्र से राक्षस अपने प्रतिशोध की भावना त्याग देंगे? ये तो मुझे असंभव प्रतीत होता है प्रभु। देवर्षि, असंभव को संभव बनाना ही तो वीर हनुमान की विशेषता है। आप तो उनके गुरु हैं, क्या आप इस सत्य को नहीं जानते? जानता हूँ महादेव, परंतु आप तो मुझसे भी अधिक जानते हैं, क्योंकि आप रुद्र हैं और वो रुद्र अवतार। अच्छा, अब मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं जाकर हनुमान को इस असंभव कार्य के लिए प्रेरित कर सकूं। आपका कल्याण। हनुमान केवल उत्तेजित होने से कार्य संपन्न नहीं होता। मैं शिव आज्ञा से केवल इतना कह रहा हूँ कि राक्षसों का संकट पुनः उपस्थित हो रहा है, और वे तुम्हारे आराध्य श्री राम से प्रतिशोध लेने के लिए प्रवृत्त हो रहे हैं। प्रभु श्री राम से प्रतिशोध? कौन है वो राक्षस, कहाँ है? शांत शांत हनुमान, शांत शांत मन से शिव शंकर का संदेश सुनो। जय श्री राम। कहिए गुरुदेव। जब तुम वानरों ने लंका पर आक्रमण किया और तुम वानर वीरों के हाथों रावण के बड़े बड़े राक्षस मारे जाने लगे, तो रावण को चिंता हुई। उसने अपने भाई कुंभकर्ण को पर्वतों में रहने वाले राक्षसों की एक सेना एकत्र करने के लिए सह्याद्री पर्वत भेजा। सह्याद्री पर्वत? हाँ, कुंभकर्ण ने सह्याद्री पर्वत में रहने वाले राक्षसों के एक मुखिया को ढूंढ निकाला, जिसके पास राक्षसों की एक बहुत बड़ी सेना थी, और उसका नाम था कुंभट। कुंभट? हाँ, कुंभट। परंतु कुंभट ने कुंभकर्ण के साथ अपने राक्षसों की सेना भेजने से पहले एक बहुत बड़ी बाधा उपस्थित कर दी। कैसी बात है गुरुदेव? कुंभट ने कुंभकर्ण से कहा कि वो अपने राक्षसों की सेना कुंभकर्ण के साथ तब भेजेगा जब कुंभकर्ण
कुंभट की बेटी करकटी के साथ विवाह कर लेगा। फिर क्या हुआ गुरुदेव? फिर कुंभकर्ण को करकटी के पिता की बात माननी पड़ी और उसने राक्षस विधि के अनुसार चुपचाप करकटी से विवाह कर लिया। मैं समझ गया गुरुदेव, मैं समझ गया। उसके पश्चात करकटी ने एक पुत्र को जन्म दिया होगा। हाँ, परंतु कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात। कुंभकर्ण की मृत्यु पर करकटी को गहरा दुख पहुंचा और वो अपने पुत्र भीमासुर को जन्म देते ही उसके मन में कुंभकर्ण के संहारक श्री राम से प्रतिशोध लेने की भावना जगाती रही। और हनुमान अब तो भीमासुर युवा भी हो चुका है। मैं समझ रहा हूँ, मैं भली भांति समझ रहा हूँ। आपके कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे भीमासुर को प्रतिशोध लेने से पहले ही समाप्त कर देना होगा। ना 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 ना, नारायण नारायण, तुम्हें भीमासुर को समाप्त नहीं करना है हनुमान, केवल अपने बल और युक्ति से उसके मन में भड़कती प्रतिशोध की भावना को समाप्त करना है। और भीमासुर को समाप्त करने की बात तुम शिव शंकर पर छोड़ दो। गुरुदेव, आप मुझे केवल इतना बताइए कि इस समय भीमासुर कहाँ है? सह्याद्री पर्वत की दक्षिण श्रेणियों में करकटी का निवास है हनुमान, उसका निवास ढूंढने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। जय श्री राम। गुरुदेव, आपने ये संदेश सुनाकर मुझ में एक नया उत्साह भर दिया है। वैसे भी बहुत दिनों से बिना कार्य किए मैं निष्क्रिय होता जा रहा था। मैं इसी समय श्री राम का नाम लेकर वहां पहुंचता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए गुरुदेव, मुझे आज्ञा दीजिए। तुम्हारा कल्याण हो हनुमान, तुम्हारा हर कार्य सफल हो। नारायण नारायण। अपने शत्रुओं पर हार ही लगाता रहेगा? मेरी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ ढूंढूं अपने उन शत्रुओं को जिनसे मुझे अपना प्रतिशोध लेना है। सुना है तेरे पिता को मारने वाला श्री राम अयोध्या में रहता है और वो वहाँ का राजा है। उसके पास बहुत बड़ी सेना है और तुझे उन सबसे लोहा लेना होगा। सुन रहा है ना पुत्र? कोई बात नहीं माँ, मैं उन सबसे अकेला लड़ूंगा, उन सबको नष्ट भ्रष्ट कर डालूंगा, उन्हें कट्टा चबा जाऊंगा। तुझे कितनी बार कहा है वनों में छुपे हुए राक्षसों को एकत्रित कर अपनी राक्षस सेना बना, परंतु तू मेरी सुनता ही कहा है? तुझे अपने पिता की मृत्यु का तनिक भी दुख नहीं है? दुख है, परंतु मैं तेरे समान रोने वाला नहीं। अवसर देख कर शत्रु पर प्रहार करूंगा और उसे समाप्त कर डालूंगा। मैं ये बातें सुन सुन के ऊब गई हूँ। मुझे ऐसे आंखें ना दिखा, मैं भी राक्षस राज कुंभकर्ण का बेटा भीमासुर हूँ। कोई मुझे आंखें दिखाए ये मैं सहन नहीं कर सकता। तो तू क्या अपनी माँ पर हाथ उठाएगा? मुझसे ऐसी बातें मत कर माता, मुझे क्रोध ना दिलाया कर, मैं आज अपने शत्रु राम को समाप्त कर दूंगा। जय श्री राम। लगता है शत्रु स्वयं यहाँ मरने आ गया। जय श्री राम। श्री राम के सेवक को मारने वाला आज तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ। जो ये मूर्खता करेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। कहाँ राम का नाम लेने वाला शत्रु मेरे सामने हो? हम उसको मारकर प्रतिशोध लेंगे। जय श्री राम। माँ, ये मनुष्य नहीं, ये तो वानर है। जय श्री राम। हाँ हाँ,
मैं वानर हूँ और प्रभु श्री राम का सबसे प्रिय सेवक भी हूँ। क्या तेरा क्या काम वानर? किस लिए आया है तू यहाँ? जय श्री राम। जो दुष्ट प्रभु श्री राम से शत्रुता करता है उसे चुप कराना मेरा सबसे बड़ा कार्य है। बोल, प्रभु श्री राम से क्षमा मांगकर जीवित रहना चाहता है या उनसे शत्रुता करके मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है? माँ, तेरे पिता ने कहा था कि राम ने वानरों की सहायता से लंका पर आक्रमण किया था और ये वानर उन्हीं में से एक है। तुम सत्य कह रही हो करकटी। भीमा, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण ने भी सत्य कहा था। सबसे पहले मैंने ही कुंभकर्ण के बड़े भाई रावण को यह समझाया था कि प्रभु श्री राम से युद्ध ना करे, अन्यथा तेरे साथ तेरे सारे राक्षस वीर मारे जाएंगे। परंतु रावण ने मेरी एक ना मानी और सारे के सारे राक्षस वीर युद्ध में मारे गए। भीमा, अब तू केवल अकेला राक्षस बचा है रावण के वंश में, तू क्यों मरना चाहता है? मरने तो तू यहाँ आया है, हम राक्षसों की बस्ती में आया कोई भी शत्रु जीवित नहीं रह सकता। ना 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 नहीं 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 भीमासुर नहीं, मैं यहाँ तुझसे युद्ध करने नहीं आया हूँ। मैं तो तुझे केवल समझाने आया हूँ कि प्रभु श्री राम से शत्रुता छोड़ दे, इसी में तेरी भलाई है। राम ने मेरे पति को मारा, मुझे विधवा बना दिया, मेरा भीमा बिना पिता का हो गया। राम हमारा शत्रु है, हम उसको मारकर प्रतिशोध लेंगे, अवश्य लेंगे। हाँ हाँ, मैंने प्रण किया है, मैं राम को जीवित नहीं छोड़ूंगा और उससे पहले तुझे नहीं छोड़ूंगा। जय श्री राम। देख भीमासुर देख, प्रभु श्री राम के एक तुच्छ सेवक ने तुझे धूल चटा दी, तो सोच प्रभु श्री राम कितने अधिक बलशाली होंगे। भीमासुर, मरने से पहले तेरे ताऊ लंकेश्वर रावण ने भी प्रभु श्री राम से शत्रुता छोड़कर क्षमा मांग ली थी। मैं तुझसे फिर एक बार कहता हूं, तू भी प्रभु श्री राम से शत्रुता छोड़ के क्षमा मांग ले, अन्यथा तू कुछ भी करने के लिए जीवित नहीं बचेगा। भीमा, शत्रु का ये वानर तुझे कायर बनाने आया है, तू इसकी बातों में ना आ। भीमा उठ, भीमा उठ, भीमा उठ। करकटी, मुझे तुम पर दया आ रही है, मेरी बात मान जा। और तेरा पति कुंभकर्ण कितना भला और समझदार राक्षस था, उतना ही समझदार तू वीर भीमासुर को बना। मैं सत्य कह रहा हूं करकटी, कुंभकर्ण बहुत ही भला और समझदार राक्षस था, वो न्याय का पक्षधर था। यदि वो चाहता तो अपने छोटे भाई विभीषण की भांति प्रभु श्री राम की शरण में जाकर अपने प्राणों को बचा सकता था, परंतु शत्रु की शरण में जाने की बजाय उसने अपने भाई लंकेश्वर रावण का साथ देना ही उचित समझा। करकटी, कुंभकर्ण ने भी लंकेश्वर रावण को यह समझाया था कि देवी सीता प्रभु श्री राम को लौटाकर यह युद्ध समाप्त कर दे।